कविता का ये शीर्षक है, पलक नहीं झपक अभी। और इसका जो मेरा आइडिया है वो ये कि मैं अपने जूनियर्स को भी इंस्पायर कर पाऊँ और जो हमारे साथ के लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत इंस्पायर कर जाऊँ, तो मैं सोचूंगी कि मैंने कुछ थोड़ा सा योगदान किया। और क्योंकि मैं प्रोफेशनल कोई कवित्री नहीं हूँ और बस थोड़े वर्ड्स ही किए हैं, तो मगर आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। तो कविता है, पलक नहीं झपक अभी, तू थक के बैठ ना कहीं, तेरे काम है अभी कई। को रात दिन जो जाग के तू डॉक्टर तो बन गया, तुझे नहीं पता चला तेरा काम अब शुरू हुआ। पलक नहीं झपक अभी, न थक के बैठ तू कहीं, तेरे काम है कई अभी। वो अनीमिया से मर रहा, वो कैंसर से डर रहा, वो बेबस तड़प रहा, उसको दवा मिली नहीं। पलक नहीं झपक अभी, तू थक के बैठ ना कहीं, तेरे काम है कई अभी। अभी भी कितने लोग हैं तेरे प्यार को तरस रहे, न जाने कितने जख्म हैं जिन्हें मरहम मिले नहीं। पलक नहीं झपक कभी, तू थक के बैठना कहीं, तेरे काम है कई। वो बच्चा जल्दी हो गया और नर्सरी में खो गया, कोई वक्त से पहले चला गया, उसे अस्पताल मिला नहीं। पलक नहीं झपक कभी, तू थक के बैठना कहीं, तेरे काम है कई अभी। जो तूने चाहा मिला नहीं, जो तूने चाहा मिला नहीं, जो मिल गया उसकी चाह नहीं। ये जिंदगी की रीत है, तो उसी को चाह जो मिल गया। कई बार लोग कहते हैं ना, हमें ये ब्रांच नहीं मिली, वो ब्रांच, तो ये, तो उसी को चाह जो मिल गया। न देख अपनी डिग्रियां, न बहाने तू तलाश कर, न देख अपनी डिग्रियां, न बहाने तू तलाश कर, और रात दिन का जलाल था उसका पूरा इस्तेमाल कर। पलक नहीं झपक कभी, न थक के बैठ तू कहीं, तेरे काम है कई अभी। वो ना सोच कितना कमाएगा, ना सोच कितना कमाएगा या कैसे रिटर्न आएगा। ना हमेशा हम लोग को लगता है हम नहीं कर रहे, अर्न उतना कर रहे हैं, तो ना सोच कितना कमाएगा, ना कैसे रिटर्न आएगा। जो दुआ मिलेगी हर तरफ, जो दुआ मिलेगी हर तरफ, खुदा खुद उतर के आएगा, खुदा खुद उतर के आएगा। पलक नहीं झपक कभी, तू थक के बैठना कहीं, तेरे काम है कई अभी। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या बात है स्मूथी मैम, आपने अभी ये कुछ बातें कही थी जो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको फिल्टर लगा लेना चाहिए कि मैं कोई कवित्री नहीं हूँ। आप तो मोटिवेशनल पोएट हैं।